हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम हेमी एसिटल और हेमी किटल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि कैसा रिएक्शन होता है, कैसे किससे कौन रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है। और यहाँ पर एल्डिहाइड अगर एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो हेमी एसिटल बनाएगा, एल्डिहाइड अगर एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो हेमी एसिटल बनाएगा, कीटोन अगर एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हेमी किटल बनाएगा। दोनों का दोनों रिएक्शन एसिड से भी कैटलाइज्ड होता है और बेस से भी कैटलाइज्ड होता है। तो ध्यान रहे, आप H प्लस से भी लेकर के बना सकते हैं हेमी एसिटल और H प्लस से लेकर के हेमी किटल आप बना सकते हैं। तो अभी फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल हेमी किटल देख रहे हैं, तब एसिटल और किटल का बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल और हेमी किटल व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आइदर H प्लस और OH माइनस टू फॉर्म हेमी एसिटल टू फॉर्म हेमी एसिटल एंड कीटोन रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस और OH माइनस टू फॉर्म हेमी किटल। तो देखिए ना, एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है और इसी का नाम है हेमी एसिटल। जैसे एक क्वेश्चन बताया, इसका नाम है आपका एसिटल डिहाइड और ये आपका मिथाइल अल्कोहल है। यहां से ये जो रिएक्शन किया तो ये देखिए ना, मिथाइल एसिटल डिहाइड हो गया। क्या हो गया? ये मिथाइल एसिटल, ये हेमी एसिटल हो गया, मिथाइल हेमी एसिटल हो गया। नहीं तो क्या है ना, आप अगर इथाइल लेते तो इथाइल हेमी एसिटल बनेगा, इसी तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। हम आपको इसका मैकेनिज्म बताते हैं। तो जब एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, और जब कीटोन अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो हेमी किटल बन जाता है। दोनों का दोनों अल्कोहल से रिएक्शन करता है। तो जरा देखिए, हम आपको मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड का मतलब होता है RCOH, ये एल्डिहाइड है। इसके पास भी कार्बोनाइलिक कार्बन होता है, कार्बोनाइलिक कार्बन में कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऊपर की तरफ होता है। दूसरी बात, इसके पास लोन पेयर भी होता है, H प्लस अगर आप लेते हैं तो इसके लोन पेयर पर यह अटैक कर देता है। नहीं, और जैसे ही अटैक करेगा तो सोचिए जरा, R है, C है और ये H है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पहले से, इसको एक का नीड है। अब ये डबल बॉन्ड तो रहेगा, इसको एक का नीड है। जैसे ही दो में से एक इसको देगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसको गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज हट जाएगा। और इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इसीलिए इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब क्या हो गया ना कि हम तो इस बात को पहले से जान रहे हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, उसके बावजूद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ज्यादा बढ़ा देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग बहुत जल्दी होगा। और किसके इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब ये पुल कर रहा है ऑक्सीजन। और कितना पुल करेगा? वन। तो किसका पुल करेगा? कार्बन का। तो कार्बन को कितने का लॉस होगा? वन का लॉस होगा। यहाँ वन पॉजिटिव और इसको गेन होगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां से आपका आर सी ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये न्यूट्रल हो गया और ये OH हो गया, और सी को लॉस हुआ, इस पर प्लस आ गया। नहीं, अब क्या होगा, इस पर ये जो आप देख रहे हैं ऐसा है। अब तो आप जान रहे हैं कि दूसरा अल्कोहल लेना है, और जब आप अल्कोहल लेंगे तो आपको तो मालूम ही होगा कि ऊपर लोन पेयर होता है। अब अल्कोहल का भी लोन पेयर ये क्या कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा,
ऑक्सीजन अपना फिर से एक इलेक्ट्रॉन इस सी को देने वाला है, तो आर सी और ये इसको ओ एच लिख दिए और ये यहाँ पहले से एच है, अब ये ओ आएगा बेटा, यहाँ ओ है और क्या लगा हुआ है आर है और क्या लगा हुआ है एच, ओ आर एच, ओ आर एच किसी भी तरफ से किसी को भी लिख सकते नहीं, तो ओ आर एच है, तो ओ आर एच है। अब इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसको लॉस होगा एक का तो प्लस हो जाएगा और ये दोनों शेयर कर लेगा, हो गया। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब जैसे ही खींचेगा तो H को लॉस होगा, तो H पर प्लस जो आपने इस्तेमाल किया कैटलिस्ट के रूप में, ये जो आपका कैटलिस्ट है ये फिर से कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा नहीं, तो जरा देखिए, अब जब ये कैटलिस्ट साइड हो जाएगा यहां से H प्लस बाहर हो जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा, तो R C O H तो रहेगा ही, एच है और ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, वो ओ पर प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो न्यूट्रल हो गया, तो ये हो गया आपका O और R। अब इसको अच्छे से लिख सकते हैं आप, R और करके R सी एच ओ एच ओ और R, इसी को कहते हैं हम लोग हेमी एसिटल, हेमी एसिटल कहते हैं इसको, नहीं वही चीज हम लोगों ने बनाया भी था, देखा भी था कि कैसे होता है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का, अगर हम बात करें ये साइक्लोहेक्सेन वन कार्बन डिहाइड है, इसका नोमेनक्लेचर होता है साइक्लोहेक्सेन वन कार्बन डिहाइड होता है, डायरेक्ट अटैच होने से पोजीशन भी मेंशन होता है और साथ ही साथ सफिक्स चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर अपने मन से ले लेते हैं CH3, CH2 और OH, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो H प्लस के प्रेजेंस में। मनी मन आप सोचिए क्या होने वाला है, मनी मन सोचिए, यहाँ जो लोन पेयर है ये यहाँ जाने वाला है और जब ये टूट जाता होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड OH हो जाता होगा और फिर इस पर प्लस, तो ये आके यहाँ अटैक करता होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको, सी है और ये बन जाता है OH इसके अटैक से, और यहाँ एच पहले से है, यहाँ एच पहले से है, अब ये एच हट जाता है तो ओ सी एच टू सी एच थ्री, तो यहाँ ओ और सी एच टू और सी एच थ्री नहीं। अब रही बात, मान लीजिए नोमेनक्लेचर करना हो तो ये वन हो गया, तो वन ही कार्बन यहाँ है ही, तो ये हो गया आपका इथॉक्सी, ये क्या हो गया इथॉक्सी, तो वन इथॉक्सी वन साइक्लोहेक्साइड, वन इथॉक्सी वन साइक्लोहेक्साइड सब्सिट्यूएंट है मीथेन वन और मीथेन मीथेन नहीं वन और ओल नहीं, तो जरा देखिए मीथेन वन ओल हो गया, तो हम क्या किए यहाँ पर, जैसे वन इथॉक्सी हो गया, वन साइक्लोहेक्साइड हो गया और मीथेन हो गया और वन ओल हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम और भी क्वेश्चन ले या बनाने को ट्राई करें तो सारा चीज आपसे बन जाएगा। जरा देखिए, अगर सपोज कीजिए हम बात करें इसका, ये आपका ऐसा है और ये आपका ऐसा है, और यहाँ ले लिए हम सिंपल CH3, कुछ भी ले लीजिए जो मन करे आपको अल्कोहल में, ऐसा ले लिए और H प्लस हो गया नहीं, तो अब बताइए ये बॉन्ड टूट करके क्या बन जाता है, OH बन जाता है, तो ये तो हो गया OH और ये जा करके यहाँ जुड़ जाता है तो O और क्या जुड़ गया CH3,
क्या नोमेनक्लेचर कर देंगे इसका, ये मिथॉक्सी हो गया, तो वन मिथॉक्सी वन फिनाइल, बेंजीन जब सब्सिट्यूएंट होता है तो फिनाइल हो जाता है, और फिर क्या लिखेंगे, मीथेन नहीं और वन वन, मीथेन वन वन, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा सा हम आपको लंबा लेक्चर पढ़ाते हैं, इसीलिए पूरे लेक्चर को आपको स्टडी करना है, घबराना नहीं। तो ये हो गया, इसी तरीके से अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पर फॉर्मेशन ऑफ हेमिकेटल, फॉर्मेशन ऑफ हेमिकेटल, अब जरा सोचिए हेमिकेटल का फॉर्मेशन में बस सिर्फ कीटोन लेना है और एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाना है, वैसे ही H प्लस लें या OH माइनस लें। हम आपको बार बार कह रहे हैं H प्लस लीजिए या OH माइनस लीजिए, दोनों तरीके से हम करवा सकते हैं, बताते हैं। तब यहां बन जाएगा आपका हेमिकेटल नहीं, तो जरा देखिए ये आपका कीटोन है, कीटोन है, दोनों तरफ R होना चाहिए तब कीटोन होगा, और यहां हम लोग एल्कोहल लेते हैं, ऐसे इंडिकेशन अलग कर दिए कि पहचान में आ जाएगा कि ये इसका है, और H प्लस लेते हैं तो यहां से बन जाएगा, बस वही चीज होगा, बस फर्क क्या है, तो ये कीटोन लिया गया है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब इसका फिर से एक ही टाइप का मैकेनिज्म है, हम आपको बता देते हैं, फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कीटोन को लेंगे, और जब कीटोन लेंगे तो एच प्लस जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे ही लेगा तो आर सी ओ, और यहाँ आर एस, एच प्लस एक लिया, एक इसको लॉस हुआ, इसको ये न्यूट्रल हो गया, इसको लॉस हुआ, इस पर प्लस आ गया, फिर से ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो सी को कितने का लॉस हुआ, एक का, तो सी पर प्लस आएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये हो गया OH, और यहां हो गया R डैश, और इस पर क्या आ गया प्लस, दिख रहा है ना। अब बताइए इसको सेकेंड स्टेप में लीजिए, ये आपका OH है और ये आपका R डैश है, यहाँ प्लस है, अब क्या लेंगे बेटा एल्कोहल, अब क्या लेंगे एल्कोहल, तो ये यहाँ फिर से आएगा, और जब आएगा तो वो अपना इसको देगा, तो जब डोनेट करेगा तो ये तो पहले से OH है, ये R डैश है, और जब ये डोनेट करेगा इसको तो O ने डोनेट कर रहा है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसको लॉस होगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, ये तो न्यूट्रल हो गया, और इसको लॉस होगा तो इस पर प्लस आ गया नहीं। अब O से क्या लगा हुआ है, H और R डैश, तो इधर H लिख देते हैं, इधर R डबल डैश लिख देते हैं। अब क्या होगा, ये H से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा R से OH R डैश, ये न्यूट्रल हो गया R डबल डैश, तो ये इसका नाम हो गया हेमिकेटल, हेमिकेटल उसी तरीके से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं नहीं। तो जरा देखिए अब हम इसको इरेज करते हैं, नहीं देखिए जरा आप, जैसे आपसे पूछता है कि आप बताइए कि अगर एसीटोन को मिथाइल एल्कोहल से रिएक्शन करवाया जाए, एसीटोन को अगर मिथाइल एल्कोहल से रिएक्शन करवाया जाए और H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो आपको बता देना है सबसे पहले कि यहाँ जो बनेगा प्रोडक्ट वो उसका नाम होगा हेमिकेटल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो एसीटोन का मतलब है प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन, अब प्रोपेन टू ऑन का तो मतलब आप समझ रहे हैं कीटोन होने वाला है नहीं। अब ये जो कीटोन है, अब यहां पर जैसे ही अगर हम CH3 और OH का बात करेंगे और ये H प्लस का, तो जरा सोचिए आप, फिर से वही कहानी होने वाली है, ये यहाँ अटैक करता होगा, ये OH बन जाता होगा, और इस पर प्लस आता होगा, ये OCH3 टूट करके
यहाँ चला जाता होगा। तो CH3 हम एक टेक्निक देंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए इसको मैकेनिज्म के सहारे, CH3OH और यहाँ CH3 और ये OCH3 आके क्या हो गया, ऐड हो गया। तो क्या नोमेनक्लेचर अगर इसका करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो 1, 2, 3 तो 2-methoxy propane 2-ol। अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट मान लीजिए कि कीटोन दिया हुआ है, ये इसका नाम है एसीटोफिनॉन। क्या नाम है बेटा? एसीटोफिनॉन। क्या नाम है बेटा? एसीटोफिनॉन। अब ये एसीटोफिनॉन है, अब इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल का, कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, थोड़ा सा इस बार अच्छा अल्कोहल लेते हैं जो थोड़ा कुछ अच्छा लगे, या इसको ऐसे कर देते हैं, ये ले लिए हम अल्कोहल ले लिए और H प्लस ले लिए। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, इसको माइनस इसको प्लस, इसको माइनस इसको प्लस। अभी तो पूछ रहा होगा कि ये पूरा पार्ट यहाँ लटकने वाला है और ये O माइनस H प्लस क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो जरा देखो ये O माइनस H प्लस से रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और ये CH3 है ना, यहाँ क्या लगा हुआ है CH3। अभी C पर क्या लगेगा, O, और O से क्या लगेगा तो रिंग साइक्लोहेक्सेन, नहीं हो गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। नहीं, इसी तरीके से बहुत सारा प्रोडक्ट हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप कर बना सकते हैं, हेमी एस्टर और हेमी कीटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि हेक्सेन दिया रहे, ठीक है, और 3-on दिया रहे, हेक्सेन 3-on बहुत इंपॉर्टेंट, और दिया रहे आपको इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल और किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा जरा देखिए। हेक्सेन 3-on वो है भवेल, इसलिए यहां नहीं रहेगा। देखिए हेक्सेन 3-ol जैसे आप लिखना चाहें, अच्छे से लिखना चाहेंगे समझाने के लिए, तो देखिए ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक कितना हो गया, 6 हो गया, ये हेक्सेन 3-on हो गया। जरा सोचिएगा, समझिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि OH के बीच को बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इसको भी बॉन्ड तोड़ दीजिए और अटैक करवा दीजिए। जरा सोचिए आप, अगर अगर हाँ थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था, फोन आ गया था तो वीडियो फिर ये हो गया, फिर से सुनिए आप ध्यान से, सॉरी। देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन और 3-on हमने लिखा है और कहा इथिलीन ग्लाइकोल। सबसे पहले आप सुनिए मेरी बात को, मान लीजिए हम यहाँ OH लिख दिए, तो OH लिख दिए तो आप क्या करेंगे, जैसे OH लिख दिए तो आप क्या करेंगे, आप तो ये करेंगे कि ये O पर माइनस और H पर प्लस होगा, और इसको भी तोड़ेंगे, इस पर माइनस और इस पर क्या होगा, प्लस। तो ये जो C का प्लस है ये O के माइनस से अटैच होगा, तो ये CO CH2 हो जाएगा, और ये O माइनस जो H प्लस है ये OH हो जाएगा, ये ऐसा हो जाने वाला है OH, और ये प्लस माइनस O से जुड़ जाने वाला है, ऐसा हो जाने वाला है, ऐसा हो जाने वाला है। अगर एक और अगर OH ले लिए होते, अगर मान लीजिए एक और OH लो लिए होते ऐसा, तो ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये बॉन्ड इससे जुड़ जाता और ये OH माइनस OH प्लस वाटर बन के बाहर हो जाता। देखिए लाइन लग रहा है कि साइकिल बन गया, साइकिल बन गया। तो देखिए अब हम डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं, ये साइकिल का फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए थोड़ा सा आपको समझना होगा अच्छे से। जैसे ये है, अब यहां ले लिए हम इथिलीन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं,
इथिलीन ग्लाइकोल। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो OH है इसके बीच का बॉन्ड तोड़ना है, ये माइनस ये प्लस, ये भी माइनस ये प्लस, हम जो अभी समझाए थे अभी कुछ देर पहले अभी तुरंत। तो अब क्या करना है, दोनों बॉन्ड को तोड़ना है, या दोनों तोड़िएगा तो ये माइनस और ये प्लस, इसको तोड़िएगा तो ये माइनस और ये प्लस, बारी बारी से रिएक्शन करता है क्योंकि दो अल्कोहल है। अब क्या होगा, ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस इस माइनस पर जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये प्लस यहाँ अटैच करेगा और ये यहाँ अटैच करेगा, और ओ माइनस माइनस एच प्लस यहाँ से एच टू ओ बन के बाहर हो जाएगा। तो देखिए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, सी एच थ्री सी एच टू और यहाँ से हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा सी एच टू और सी एच थ्री। ये तो ऐसा हो गया। अब देखिए सी एच टू है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये सी प्लस माइनस बॉन्ड बॉन्ड और ये ओ हो गया, सी प्लस माइनस बॉन्ड और ये ओ हो गया, ये तो वाटर बन के बाहर हो गया, ये तो वाटर बन के क्या हो गया, बाहर हो गया। जरा मैं कोई रेड पेन से आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे ये वाटर पेन बाहर हो गया। देखिए तो ये वाला आपका बाहर हो गया, नहीं ये वाला पोर्शन बाहर हो गया, और ये जो है इससे जुड़ा और ये जो है आपका इससे जुड़ा, ठीक है। जरा देखिए अब क्या हो जाएगा, ये ओ से तो पहले से सी एस टू है, वो रहेगा यहाँ भी रहेगा, और ये पहले से आपस में जुड़ा हुआ है तो ऐसा बन गया, नहीं डाइकीटल बन गया, ये क्या बन गया आपका डाइकीटल बन गया, मतलब डाइकीटल बन गया। अब यहाँ तो अभी हम बताए नहीं है इसका हेमीएसिटल से हेमीकीटल बनाना है इस टाइप से, लेकिन क्या इसको छोड़िए, प्रोडक्ट का नाम हम आगे चलते आपको बताएंगे कि कैसे हो जाता है। तो ये आपका ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आइए हमने कहा था अभी कुछ देर पहले कि हेमी एसिटल और हेमीकीटल इज आइदर एसिड और बेस कैटलाइज्ड, एसिड और बेस कैटलाइज्ड, एसिड और बेस कैटलाइज्ड, ठीक है। तो हम बताते हैं बेस कैटलाइज्ड हेमी एसिटल और हेमी कीटल, बेस कैटलाइज्ड हेमी एसिटल और हेमी कीटल। बस हम आपको एक बताते हैं, बाकी दूसरे आपको खुद से बना लेना होगा, क्योंकि दोनों का एक ही बात है। देखिए जरा, अब जैसे मान लीजिए हम एल्डिहाइड या कीटोन किसी को भी ले लिए, जैसे लेते थे वैसे ही लेंगे, ये अल्कोहल है और यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, बेस कैटलिस्ट, मतलब बेस कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या उसको स्टार्ट करवा देता है, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो देखिए ना, बेस क्या करेगा, बेस करेगा एसिडिक एच पर अटैक, और एसिडिक एच कौन सा है यहाँ, क्योंकि यहाँ तो एसिडिक एच है नहीं, क्योंकि अल्फा एच तो है नहीं, अल्फा एच नहीं, अल्फा एच का मतलब इसके साथ सी होता है, एच होता है, अल्फा एच होगा, तो यहाँ ये एसिडिक एच है। क्यों ये एसिडिक एच है, तो इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव है, और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव से अटैच रहता है वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। वहाँ पर बेस का अटैक जल्दी होता है, बेस का अटैक जल्दी होता है। तो जरा सोचिए, अगर हम मैकेनिज्म करवाएंगे तो यहाँ ही बेस का अटैक होगा, नहीं अब जैसे अटैक होगा तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, ये OH हो जाएगा और यहाँ H है और ये O और R है। हम आपको बता देते हैं कैसे बनेगा इसके मैकेनिज्म को।
सबसे पहले आपको अल्कोहल लेना होगा और अल्कोहल पर बेस का अटैक करवाना होगा। तो ये यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ पर ऐसे शिफ्टिंग होगा, तब ना ये माइनस होगा और ये प्लस होगा और OH माइनस H प्लस वाटर बन के साइड हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका R डैश और O माइनस, R डैश और O माइनस। अब क्या करेगा ये O माइनस जो है, अब ये जो O माइनस है ये एल्डिहाइड कीटोन पर जा करके अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा तो आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, गुड न्यूक्लियोफाइल का। तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लिस्ट लिस्ट पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोस्ट है इसलिए निगेटिव। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद आर सी ओ पर क्या हो गया, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, और ये क्या है एच, और ये क्या है ओ और आर डैश, तो यहाँ ओ और आर डैश हो जाएगा, ओ और आर डैश हो जाएगा नहीं। अब क्या हो गया, यहाँ हम वाटर ले लेंगे, वाटर से क्या क्या बनेगा, एच प्लस और ओ एच माइनस, जो ओ एच माइनस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया था उसको कंपनसेट करवा देंगे। एच प्लस जो है ओ माइनस पर अटैक करके ये ओ एच बना लेगा, ये ओ एच हो गया, एच हो गया और यहाँ से ओ आर डैश हो गया, यही चीज को बनाना था। तो ये बेस कैटलाइज हो गया, चाहे आपको बेस से रिएक्शन करवाइए चाहे आप एसिड से रिएक्शन करवाइए, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ तो बेस से रिएक्शन हो जाता है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन भी है, यानी फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, हम बैकवर्ड करके भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को याद रखना है, ये फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है, इसीलिए ये रिएक्शन रिवर्सिएबल रिएक्शन कहलाता है। हैमी एसिटल और हैमी कीटल जो है वो रिवर्सिएबल है, लेकिन जो कीटल और एसिटल होगा वो इधर से तो जैसे फॉरवर्ड होता है लेकिन बेस के थ्रू बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है, वो सबका रीजन है। तो आप देखिए थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल और कीटल, एसिटल और कीटल, देखिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इंक थोड़ा खत्म हो गया है। तो भाई हम तो कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, तो ऑनलाइन में अब तो मैं सिर्फ पढ़ा ही दे सकता हूँ आपको, हमको समझ में नहीं आता है कि YouTube पर किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से YouTube को और आपको डील किया जाए, ये पता नहीं चलता है। नहीं बैठ जाइए ना, चेहरा तो बड़ा सुंदर लग रहा है एकदम। तो देखिए कुछ स्टूडेंट भी पढ़ाई करते रहते हैं, बोर्ड पर पढ़ाते रहते हैं, तो स्टूडेंट तो एक दो स्टूडेंट खड़े होके ऐसे ही लोल करते रहते हैं, तो बैठ जाइए। देखिए तो देखिए तो एसिटल और कीटल कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग हैमी एसिटल लेंगे, हैमी एसिटल, और उसका अगर एल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे, H प्लस हो या फिर OH माइनस हो, तो यहाँ से बन जाता है एसिटल। कैसे हो जाता होगा, हैमी एसिटल तो आपको अभी तुरंत समझाया गया, OH होता है, यहाँ H रहेगा तभी एल्डिहाइड होगा, और यहाँ क्या लगा देते हैं ओ आर डैश, इसी का नाम है हैमी एसिटल। अब आइए एल्कोहल लेते हैं, ये है आपका एल्कोहल, H प्लस ले लें या OH माइनस ले लें, अब क्या हो जाएगा, ये भी OH भाग जाएगा और ये भी OH यहाँ से हट जाता है, और हटने के बाद इसके जगह पर ये आ जाता है, नहीं
तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा C और ये O और R डबल डैश, और यहाँ तो जो पहले से है वो रहेगा और वो R डैश, इसी का नाम है एसिटल। इसको भी मैं आपको मैकेनिज्म से बताता हूँ। मैकेनिज्म एक माध्यम है जिससे उस रिएक्शन को याद रखने में समझने में आसानी होता है। तो जरा देखिए X प्लस है, फिर से हम लोग क्या करेंगे एल्कोहल लेंगे, नहीं अब क्या करेंगे इस X प्लस में ये अटैक किया, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से भी आप अटैक करवा सकते हैं, और जब यहाँ हम ले लिए ही हैं तो यहाँ भी इसके लोन पेयर पर क्या अटैक पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ तो इसके लोन पेयर का इस्तेमाल कर चुका है ये हाइड्रोजन, इसीलिए यहाँ पॉसिबल नहीं है, नहीं 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 समझे। अब देखिए जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये लोन पेयर और ये एच प्लस है, इसका लोन पेयर जो था कीटोन का, ये लोन पेयर एच को दिया था तब ने एच यहाँ आकर रिएक्शन किया, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर जो था वो एक बार रिएक्शन कर चुका है। अब क्या होगा यहाँ पर अगर रिएक्शन करता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए एच इसके पास आया और आया तो ये प्लस था, एक दिया तो ये न्यूट्रल हो गया और ऑक्सीजन को लॉस हुआ तो इस पर कैसा चार्ज आ गया प्लस। अब क्या होगा आर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और जब खींचेगा तो R को लॉस होगा और H2O न्यूट्रल होकर साइड हो गया, नहीं ये हो गया। अब क्या होगा ये जो R प्लस है, ये जो R प्लस है इस तरीके से R प्लस को लीजिए, ये R प्लस कहाँ अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, इधर गया किधर गया इधर गया, आर नहीं है ये देखिए क्या है आर डबल डैश है, आर डबल डैश है और इस पर प्लस है, थोड़ा ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी ध्यान से आपको देखते रहना होगा। अब आइए ऐसे भी करवा सकते थे, यहाँ इसके लोन पेयर पर भी, क्योंकि इसके पास अभी भी लोन पेयर अटैक करवा सकते थे तो आसान होता, लेकिन हम यहाँ से पहले आर डबल डैश बना लिए। अब क्या होगा यहां से रिएक्शन करने के बाद आर डबल डैश आया और आर डबल डैश क्या करेगा, ये जो ओ एच है और ये जो एच है ये ओ आर डैश है, तो ये आर डबल डैश और प्लस जो है इसके लोन पेयर पर क्या करेगा अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो यहाँ जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ये एच है रहेगा ही और ये आर डबल डैश आ रहा है इसके पास, ये तो ओ है और R डबल डैश आया इस पर प्लस था, एक मिला ये न्यूट्रल हो गया, एक मिला तो न्यूट्रल हो गया, इसको एक लॉस हुआ इस पर क्या आ गया प्लस, और यहाँ से क्या लगा हुआ है, अरे भाई यहाँ H है ना H, अब क्या होगा, अरे भाई इसको ऐसे लिख दो और यहाँ प्लस कर दो, अब ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, नहीं और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तब क्या होगा ये ओ न्यूट्रल हो जाएगा, आर सी ओ आर डबल डैश और ये क्या हो गया एच और ओ आर डैश, देखिए ना यही ना बनाना था, इतना ही ना बनाना है, बन गया, इसी का नाम क्या है एसिटल। नहीं इसी तरीके से आप यहां कीटोन ले सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट समझा देते हैं आपको, तो देखिए इधर अगर हम लोग हेमिकीटल लेंगे, हेमिकीटल लेंगे तो हेमिकीटल में क्या हो सकता है, ये OH है ये तो R डैश करना पड़ेगा, ये OR डबल डैश तब ना हेमिकीटल होगा। अब यहाँ अल्कोहल लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, किसी भी तरीके से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको हटाना है और यहाँ पर ये जाके जोड़ना है, तो आर सी ओ आर ट्रिपल डैश और यहाँ यहाँ तो इसको जोड़ना है और H को हटाना है, तो बाकी के पोर्शन आर ओ डबल डैश और यहाँ क्या लिखा हुआ है आर डैश, ऐसा बोल नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग कीटल।
क्या कहते हैं ईटर। जैसे अब अगर हम मान लीजिए एक आध को एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से, अगर यहाँ सी एच थ्री है और यहाँ सी है ओ एच है और सी एच थ्री है और यहाँ सी टू एच फाइव है और यहाँ ले रहे हैं हम सी एच थ्री ओ और एच और ये एच प्लस है नहीं, तो क्या होना है? तो अब तो दिख रहा है कि ये यहाँ यहाँ आर आर है, ये तो कीटल है, ये हेमी कीटल है। ये क्या लिखा हुआ है आपका हेमी कीटल है। अब यहाँ से इसको हटा करके जोड़ना है तो सी एच थ्री है पहले से ओ सी एच थ्री जुड़ जाएगा और यहाँ सी एच थ्री है ये है और यहाँ ओ सी टू एच फाइव बन गया नहीं। अब सबका हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा, उन सबों का एक एक एग्जांपल देखा, अच्छे से समझा। अब हमारा कोशिश है कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा YouTube पर रिप्लाई करें, 12 बजे से हमारा ऑनलाइन क्लास होता है उस समय भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे अच्छे से। कभी भी किसी भी समय में कोई भी रिएक्शन का परेशानी हो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। मेरा नाम हुआ एलसिंह सर, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, किसी भी कीमत पर सब्सक्राइब करें और करवाएं, अपने फेसबुक पर भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।